हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए पेंटिंग वीडियो पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोकल पेंटर हैं या फिर आप पेंटिंग का काम क्या करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। मैं आप लोगों को आज ही टेंसिल के बारे में और टेंसिल को कैसे आप अकेले ही यूज कर सकते हैं इसके बारे में पूरे के पूरे इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरे हाथ में एक डस्टर है और डस्टर के साथ साथ मैं अपने पैर के माध्यम से देखिए टेंसिल को बस दबा के रखा हूँ और अपने हाथ के माध्यम से भी। और देखिए अभी मैं कलर में डुबा के डस्टर को भी पोताई कर रहा हूँ। ये जो टेक्निक है दोस्तों, आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। जब टेंसिल की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी कि टेंसिल यूज नहीं किया जा रहा था, तभी क्या होता था कि जितने सारे पेंटर भाई लोग हैं अपने हाथों में ही इसको पेंटिंग किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों, नए नए टेक्निक और ये सब काम करते हुए आज बहुत जल्द से जल्द काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप अगर स्कूल पेंटिंग करते हैं या फिर अपने घर की सजावट के लिए कोई पेंटिंग किया करते हैं तो ये वाला टेक्निक आपको बहुत ही काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जो मैं टेंसिल यूज कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे प्लास्टिक का है। मैंने खुद इसको डिजाइन बना के मेहनत किया हूँ और अभी एक डस्टर और कलर के माध्यम से यूज कर रहा हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी फंडा है। बस आपको टेंसिल को अच्छी तरीके से काटना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा एक दो घंटे के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं नए नए पेंटर भाई लोगों के लिए और ड्राइंग पेंटिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल में बनाता रहता हूँ। एक एक लाइक करना भी ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं। अगर ये काम को आप अकेले कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है। मैं कोशिश किया हूँ बस अकेले करने की। तो दोस्तों, ये एक स्कूल पेंटिंग है और यहाँ मैं प्लास्टिक कलर यूज किया हूँ, जैसे कि प्लास्टिक पेंट कहा जाता है, और वो भी वेदर कलर है दोस्तों। और ये हमारे संबलपुरी का सोप्टा डिजाइन भी कहा जाता है। और आप ये अपने घर दरवाजे या फिर कोई भी ऐसा डिजाइन अपने दीवार पर ऐसा ही आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी फंडा है। इस टाइप का पेंटिंग आप करने के लिए आपको मटेरियल्स लगेगा दोस्तों। ये फैन का जो कॉयल बांधने वाला, जैसे ये क्या कहते हैं, मुझे इसके उसको तो नहीं पता नहीं, लेकिन ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक दुकान में मिल ही जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान होता है वहाँ कॉयल जो बांधने वाला, ये जो होता है प्लास्टिक वाला प्लेट, ये मिल ही जाता है। इसके बाद आपको एक डस्टर लेना पड़ेगा और डस्टर के माध्यम से आप पोताई करेंगे। तो दोस्तों, अगर काफ़ी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो सही में एक एक ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नए नए पेंटर भाई लोगों के लिए ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे एक वीडियो पर।
बाय बाय दोस्तों।